रहकर आपातकाल का विरोध किया। ऐसे आदरणीय रघु ठाकुर जी का मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बात अलग है कि आज शत्रुघ्न सिन्हा जी हिंदुस्तान के एक नागरिक के तौर पर, और मुझे इनका बयान बहुत पसंद आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले भारत की जनता हूं, इसलिए लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र की रक्षा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हुए आपने आवाज उठाई। मैं आपको हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और आम आदमी पार्टी की ओर से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों 10 दिनों तक हमारी लड़ाई दिल्ली में चलती रही। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, सांसद होते हुए भी आपने हमारे आंदोलन का समर्थन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है इस देश के अंदर। खामोश रहिए, चुप हो जाओ। अरे सब माहौल खराब कर रहे हैं। चुप रहिए, चुप रहो। आज एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है पूरे देश में। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जिस बनारस की धरती पर हम लोग हैं, स्वर्गीय राजनारायण जी की धरती, जो राजनारायण जी ने 1975 के अंदर आपातकाल के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने का काम किया और देश की जनता की ताकत ये ताकत थी कि रायबरेली से बनारस के लाल राजनारायण ने देश के प्रधानमंत्री को 65,000 वोटों से हराने का काम किया, 65,000 वोटों से। और आज जिस बनारस में हम लोग खड़े हैं, इस बनारस ने नरेंद्र मोदी जी को भारी मतों से जिताया, वो देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने इस देश की जनता से कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था और जो वादे किए थे उन वादों को आपको याद करना होगा। कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15,00,000 रुपए जमा हो जाएगा। मैंने संजीव सिंह से पूछा, बनारस किसी का 15,00,000 नहीं आया। कहा था नौजवान को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, रोजगार मिलना तो दूर, 84% रोजगार घट गया। और तो और, नोटबंदी का फैसला हुआ तो बोले देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी जब पीडीपी से समर्थन वापस लिया तो बोले आतंकवाद कश्मीर में बढ़ गया, इसलिए समर्थन वापस ले रहे। ये कैसा विरोधाभास है? किस ओर हिंदुस्तान को आप लेके जाना चाहते हैं? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, 87 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 75 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, महंगाई से पूरे देश में आग लगी है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान अपनी फसल को सड़क पर नष्ट कर रहा है। 70 साल की आजादी में कभी हमने नहीं देखा किसान को अपना दूध फेंकना पड़े, अपनी सब्जियां फेंकनी पड़े, अपना फल नष्ट करना पड़े। ये किसानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा देने का काम हो रहा है। और इन सबसे बढ़कर जब आप बात कीजिए किसानी की, जब आप बात कीजिए रोजगार की, जब आप बात कीजिए जीएसटी की, जब आप बात कीजिए नोटबंदी की, तो नफरत की बातें लेके आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक विधायक, योगी सरकार के एक विधायक ने कहा
ताजमहल तोड़ डालो, इसलिए कि इसको मुगलों ने बनाया। मैंने विधायक जी से कहा, योगी जी से कहा, अगर मुगलों ने ताजमहल को बनाया इसलिए तोड़ डालो, तो जीटी रोड भी मुगलों ने बनाया उसको भी तोड़ डालो, कुतुब मीनार भी मुगलों ने बनाया उसको भी तोड़ डालो, पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई उसको भी तोड़ डालो, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया उसको भी तोड़ डालो, हावड़ा का ब्रिज भी अंग्रेजों ने बनाया उसको भी तोड़ डालो। अरे तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा, जोड़ने से आगे बढ़ेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे नाम तेरा नाम इच्छा जा तू जा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान है। हम गंगा मैया के किनारे आए हैं अपनी बात कहने के लिए, उनसे प्रार्थना, उनसे निवेदन करने के लिए, इस लोकतंत्र को बचा लो, इस देश के संविधान को बचा लो, इस देश की रक्षा करो, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बचा लो, क्योंकि हिंदुस्तान अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलकर बनता है। विविधता में एकता वाले हिंदुस्तान को हम टूटने नहीं देंगे। हमने मिलकर रहना सीखा है और मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान, वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं मिलकर मिलकर लोगों को आबाद करो। ये हमारे हम नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते, और कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, वतन की जो हालत सुधारने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुधारने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, इंसानियत को आदमियत को बचाने की जरूरत है। और आज इस आपातकाल दिवस पर बेनियाबाद के इस मैदान में हम सारे लोगों को संकल्प लेना है, ये प्रतिज्ञा करनी है कि सब कुछ मंजूर है लेकिन इस देश के लोकतंत्र पर हमला मंजूर नहीं है, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता पर किसी भी तरह का हमला मंजूर नहीं है। हम सब लोग मिलकर 130 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसे कोई रोक नहीं सकता, और इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आज यशवंत सिन्हा जी को यहाँ पर आना था, वो यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा बनारस के लोगों से मैं 2-3 मिनट फोन के जरिए ही बात करना चाहता हूँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं फोन पर मिलाकर यशवंत सिन्हा जी से आपकी बातचीत करा दूंगा, उनके भी बातों को आप सुन लीजिएगा। लेकिन यह जरूर है कि जो जन अधिकार यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, कल से इसकी शुरुआत होगी, अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय रघु ठाकुर जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारी अपना दल की नेता यहाँ पर आई हुई है, पल्लवी पटेल जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के, सीपीआई के, सीपीएम के, रामधीरज जी, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी दलों के उन लोगों को हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज में आवाज मिलाने की बात कही है। ये जन अधिकार यात्रा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी है, आंगनबाड़ियों के लिए भी है, पुरानी पेंशन जो बहाल नहीं की जा रही है उन सवालों को लेकर भी है, बुनकरों के सवाल को लेकर भी है, गंगा की सफाई को लेकर भी है, वित्त विहीन शिक्षकों की बातों को लेकर भी है, तो एक बड़े सवाल को लेकर, संविदा कर्मियों के सवाल को लेकर, एक बड़े सवाल को लेकर ये जन अधिकार यात्रा 13 दिनों तक चलेगी, बनारस से बलिया तक ये यात्रा चलेगी। और बनारस हमने क्यों चुना, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमसे कई बार पूछ रहे थे, मैं सोचा मंच पर इनको बताऊंगा, अघोषित आपातकाल है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके खिलाफ आप बोलते रहते, इसलिए इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ आपकी जुबानी जरूर बनारस की जनता
जिस क्षेत्र से मोदी जी जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री बने, आपकी जुबानी ये लोकतंत्र हमला हो रहा है, जरूर आपसे सुनना चाहेगी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र के पक्ष में अपने आप भाई सत्य सिंह को चुनाव के विचार रखें। भाई सत्य सिंह